चक्कर में जा रही है, वो चाचा चाचा साथ समुद्र में घूमना चाह रही है। तो चाचा को तो नचवाएंगे समुद्र में। और क्या, वो कहेंगे मेरे मोटू हसीन हो गया। क्या बना रहे हो? अच्छा उनका वीडियो बना रहे हो? चलो भाई चलो बराबर चलो। नहीं ले जाते मेरे नाम कपड़े पैक करो। अरे पानी तो भर गया हमारे घर से, पानी भरो करो। हमको इनको ले लें, हम लोग दीगार के लिए मंदिर घूमने के लिए परेशान कर रहे हैं। खुश रहना, स्वस्थ रहना, अच्छे से रहना, ठीक है? मम्मी दो दिन के लिए जा रही हूँ, एक दो नहीं नहीं चुप रहो, अभी कल आ जाएंगे हम, हो सकता है रात में ही पहुँच जाए, भरोसा नहीं है। क्यों उनका भी मन कर रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अब हम लोग जा रहे हैं कलकत्ते से दीघा, एक जगह है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ समुद्र देखेंगे। बच्चे लोग हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं, खाली हम जा रहे हैं, पिंकी जा रही है, बुल्ली जा रहा है और ये जा रहे हैं। ये लोग मेरे जेठ के सबसे बड़े वाले जेठ हैं, उनके ये सबसे छोटे वाले बेटे और बहू हैं। तो इनके हम लोग कलकत्ते में गए हुए थे और इन्हीं लोगों के साथ हम लोग दीघा जा रहे हैं समुद्र देखने। मैंने अपनी लाइफ में कभी समुद्र नहीं देखा है। भूल तो नहीं रहे हो, मोबाइल हमारा आ गया, चार्जर रख लिया था, आप पेंट रख लिया। हम लोग मंदिर मुनि जा रहे हैं, दोठो समुद्र की मस्ती करने, क्या समुद्र में नहा के हसीन होने के लिए। ऐसे कम हसीन हो गया और हसीन हो। गाड़ी सिखा दे, दो दिन के कुछ तो टाइम निकाल के गाड़ी वो कह रहा सिखा देंगे आपको। नहीं सॉरी, मैं दीघा बोल रही थी। ये लोग मुंदार मुनि करके कोई जगह वहाँ जा रहे हैं। ये देखिए हावड़ा ब्रिज पे हम लोग पहुँच गए। यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है। इस हावड़े ब्रिज की इंजीनियरिंग कला का तो बस हम क्या बताएं, किस इंजीनियर ने क्या दिमाग लगा के बनाया होगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इतनी हरियाली है, चारों तरफ आपको हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ेंगे। और ये मुंदार मुनि जाते समय तो आपको बहुत ही अच्छी हरियाली और आपको बंगाल का कल्चर की रहन सहन और आपको घर वगैरह भी उस तरह के छोटे छोटे से दिखाई पड़ेंगे। काफ़ी अच्छा व्यू है रास्ते का, कहीं कहीं पर जो है आपको देखिए ये गंगा जी भी मिली है। कौन सा रेस्टोरेंट? गगन रेस्टोरेंट हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग पियेंगे चाय और थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, उसके बाद फिर निकलेंगे। वीडियो लोग अपलोड देखेंगे क्योंकि प्रीमा भाभी कहाँ गई थी, आप किसके साथ गई थी? आप कह रही थी मेरी जैसी शक्ल वाली होगी, मैं नहीं गई थी। अब रास्ते में हम लोग उतर गए हैं, जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे। और ये भी जा रहे हैं, देखिए उतर के आगे आगे, और पिंकी भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं, बुल्ली भी, सब लोग उतर के जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे। और घर से भी हम लोग खा कर नहीं निकले थे, अब देखिए अगर भूख लगेगी तो खाना भी खाएंगे। हम लोगों को अचानक से एक फूल का पेड़ दिखाई पड़ गया, मन कर रहा था तोड़ लें पर नहीं तोड़ा। अब हम लोग रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे दिया है, खाते हैं। यहाँ पर पूड़ी सब्जी भी है और छोला भटूरा भी है, सबने नाश्ता किया, हमने भी खा लिया, पर वीडियो बनाना हम भूल गए थे क्योंकि हम लोग बहुत तेज से भूख लग रही थी खाना देखने के बाद। फिर ये पिया हमने नारियल पानी,
यहाँ पे जाने के बाद हम रोज़ एक नारियल पानी पी लेते थे, क्योंकि यहाँ नारियल पानी बहुत सस्ता था और बिल्कुल फ्रेश ताज़ा ताज़ा निकलता था। उसके अंदर से मलाई भी निकलवा के खाइए, हम हमेशा मलाई वाला ही नारियल पानी लेते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मीठी मीठी वो इस तरह काट के मलाई भी दे देते थे। सभी लोगों ने नारियल पानी भी पिया। मैं तो कहीं भी निकलती थी तो नारियल पानी ज़रूर से ज़रूर पीती थी। अब हम लोग नारियल पानी पीने के बाद फिर चल दिए हैं। ये देखिए, ये पेठे वाला कोहड़ा इसको बोलते हैं, कद्दू कुछ जगह बोलते, वो लगा हुआ है। अब हम लोग दीघा पहुंच गए हैं, मुंदार मुनि सॉरी पहुंच गए हैं। आपको रास्ते में इस तरह से खेत में गड्ढे दिखाई पड़ेंगे और उसमें पानी भरा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग चावल की खेती और मछली की खेती करते हैं, इसी तरह से मछली पालन करते हैं। आपको ये देखिए समुंदर दिखाई पड़ने लगा। हम लोग मुंदार मुनि पहुंच गए हैं समुंदर। ये दोपहर के 4 बजे का टाइम है, इस समय एकदम सन्नाटा है। वहाँ पर लहरें पर इतनी अच्छी लग रही कि बता नहीं सकते। हम लोग होटल खोजने समुंदर के किनारे किनारे निकल गए थे कि यहीं पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से बुकिंग नहीं कराया था। तो एक लोगों ने बताया कि इस होटल में जगह है, तो फिर हम जा रहे हैं बात करने, देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं। काफ़ी अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा भी है और बढ़िया भी है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि हर होटल आपको स्विमिंग पूल जरूर से ज़रूर मिलेगा। काफ़ी अच्छा पीछे से भी व्यू था, आगे से भी था, हम लोगों को पसंद आ गया। तो हम लोगों ने रूम ले लिया अपने रूम में। देखिए अब गए हुए हैं तो हमने अपने रूम का भी वीडियो बना लिया। इन्होंने टॉवल को कितने अच्छे तरह से डेकोरेट कर रखा है। एक ही रूम में 2 डबल बेड वाला रूम हम लोगों ने लिया, क्योंकि अलग अलग रूम जो नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं खाली था, सब जगह बिल्कुल भरा हुआ था। बिल्कुल पीछे का भी व्यू इतना सुंदर, एकदम हरा भरा है, स्विमिंग पूल है, और आगे से भी देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा समुंदर। और दोनों तरफ से इसका काफ़ी अच्छा होटल था, तो इसी में हम लोगों ने एक में ही, क्योंकि बस इसमें एक रूम ही खाली था, वो भी देखिए किस्मत इतनी अच्छी थी कि डबल बेड वाला रूम था, वरना फिर दिक्कत होती। तो डबल बेड वाला रूम मिल गया, तो इस एक उसमें ही हम लोग आपस में सो गए, क्योंकि एक रूम में ही ठीक था। और फिर आराम, चावल दाल, ये है आलू का भुजिया, सब्जी कोई नहीं था, रोटी हम लोग का खाने का मन नहीं किया। हाँ क्या ये नींबू, अमेरिका का नींबू आया यहाँ पे क्या हम सभी लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने पूड़ी सब्जी खाई थी, इसलिए सबका मन दाल चावल खाने का कर रहा था। तो हम लोगों ने दाल चावल मंगवाया, सब लोगों ने दाल चावल खाया, गरम गरम टेस्टी टेस्टी। और सबसे अच्छी आलू की भुजिया यहाँ बहुत ही टेस्टी बना के दिया था, और इस उसको भी खाई सबने। अब इसके बाद सबको चाहिए कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक भी सबने मंगवाई थी, तो थोड़ी थोड़ी सी सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी। मैं तो बहुत थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक में एक चीज़ आप करिए, अगर कोल्ड ड्रिंक पीजिए, थोड़ा सा उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए, तो आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत टेस्टी लगने लगेगी और उसमें झाग सी भी उठेगी और पीने में बहुत अच्छी लगेगी। इस प्रकार से सभी लोगों ने नमक डाल डाल के कोल्ड ड्रिंक को पिया, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इस प्रकार से बहुत टेस्टी लग रही थी। अब इसके बाद जो है, खाना खाने के बाद हम लोगों ने देखा कि अभी धूप बहुत थी, तो ये हो गया कि आधे घंटे के लिए चलिए रेस्ट कर लेते हैं, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद समुंदर पे चलेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पूरा देखने की कोशिश किया करिए। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।